की सुभान से कैसे मुलाकात हुई? That's important. है ना? Yeah, that's important. सुभान लाहौर आई हुई थी किसी प्रोजेक्ट पे. आई एम फ्रॉम लाहौर बेसिकली. अब आई मूव टू कराची काम के लिए भी और शादी के बाद भी सुभान के लिए. अरे भाई ऐसा तो होता है मोहब्बत में, इधर से उधर किसी को होना पड़ता है, कभी इधर से कभी लड़की को होना पड़ता है, कभी लड़के को होना पड़ता है. तो उसी प्रोजेक्ट पे बस हम मिले और वी कनेक्टेड. पहले हम कोई 4-5 महीने वी वर रियली गुड फ्रेंड्स और उसके बाद फिर वी डिसाइडेड टू टर्न इट इनटू समथिंग. अच्छा तो वशमा भी शोबिज में थी? जी बिल्कुल. हम लोग जब प्रोजेक्ट पे मिले थे तो पहला दिन हमारे लिए बड़ा डिफरेंट था क्योंकि द वे वी परसीव इट नाउ इट्स वेरी फनी एक्चुअली एज़ वेल कि पहले दिन मैं जब सेट पे आया था आप लोग एक्टिंग कर रहे थे, मॉडलिंग कर रहे थे, क्या किस तरह का प्रोजेक्ट? इट वाज एक्टिंग, एक प्रोजेक्ट था. तो ड्रामा का प्रोजेक्ट था, ड्रामा का प्रोजेक्ट. तो हम जब मैं सेट पे आया तो आई सॉ के देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. शी इज ब्यूटीफुल नो डाउट, माशाल्लाह. और मैं आया, मैंने कहा चलो इट्स गुड के वी हैव गुड पीपल. अच्छी लड़की, प्यारी लड़की के साथ अच्छा. द फनी थिंग इज कि इसका पूरा ट्रैक किसी और के साथ था और मेरा पूरा ट्रैक किसी और के साथ था. सिर्फ एक ऐसा सीन था हमारा ड्रामे में जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी क्योंकि हम दोनों का ट्रैक बिल्कुल डिफरेंट था. खैर तो जब मैंने इसे देखा तो अब नॉर्मली आई डोंट इंटरेक्ट अ लॉट विद पीपल, मुझसे नहीं होती इतनी ज्यादा बात. तो खैर एज यूजुअल मैंने तो नहीं बात की और इसमें भी नहीं की, ऑब्वियसली वी वर अननोन. तो फिर 3-4 दिन बाद किसी ना किसी तरह खाने पे जब लंच ब्रेक होता है तो साथ बैठते हैं सब, तो वहाँ से थोड़ी बहुत चिट चैट स्टार्ट हुई एंड आई रियलाइज दैट शी इज अ रियली गुड गर्ल. सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वैसे भी अच्छी है. तो इस तरह से हमारी एक सीन ड्रामे में उसने हलचल मचवा दी. एग्जैक्टली.